Assalamu alaikum students, I am Sarjan Zaib, your banking teacher, and today we are going to start our new topic e-banking. इसको हम ऑनलाइन बैंकिंग भी कह सकते हैं, इसको हम इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग भी कह सकते हैं. इसके अंदर हम पढ़ेंगे कि हम किस तरीके से ई बैंकिंग के थ्रू जो है वो अपने बैंकिंग सेक्टर को प्रमोट करते हैं. शुरू करते हैं अपना ये टॉपिक. नंबर वन, एटीएम कार्ड इज एन एग्जाम्पल ऑफ. एटीएम कार्ड की अगर हम बात करें तो भाई वो आप लोगों ने एटीएम मशीन देखी हुई हर जगह, तो वो क्या कहलाएगा, हमारा ऑनलाइन बैंकिंग या ई बैंकिंग या बोथ ऑफ देम, ये भी इसका आंसर हो सकता है. तो इसका आंसर जो है वो हमारे पास, कोई भी हम इसमें ऑप्शन चूज कर सकते हैं. नंबर टू, बैंकिंग ट्रांजैक्शंस आर मेड थ्रू मोबाइल कॉल्ड. अगर हम मोबाइल के थ्रू बैंकिंग करते हैं तो वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा इंटरनेट बैंकिंग. इसका आंसर क्या है, इंटरनेट बैंकिंग. मोबाइल के थ्रू अगर हम बैंकिंग सिस्टम यूज करते हैं तो वो इंटरनेट बैंकिंग कहलाता है. और बैंक अलाउ इट्स कस्टमर टू मेक ट्रांजेक्शन थ्रू कॉल. और अगर हम कॉल के थ्रू ट्रांजेक्शन जो है परफॉर्म करते हैं तो वो कौन सी कहलाती है बैंकिंग, वो कहलाती है टेलीफोन बैंकिंग. टेलीफोन बैंकिंग में आप जब कॉल के थ्रू बैंकिंग फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं तो वो टेलीफोन बैंकिंग कहलाती है. एटीएम बैंकिंग अलाउ कस्टमर टू मेक ट्रांजेक्शन थ्रू डैश आवर्स. एटीएम के थ्रू हम दिन में 24 घंटे कोई भी बैंक की ट्रांजेक्शंस जो है उसको परफॉर्म कर सकते हैं. और लास्ट है हमारे पास, यूज ऑफ फाइनेंशियल सॉफ्टवेयर टू ऑपरेट बैंकिंग ट्रांजेक्शंस कॉल्ड. अगर हम लास्ट देखें तो वो पीसी बैंकिंग है, जिसके थ्रू जो है वो हम सॉफ्टवेयर के थ्रू जो है वो हम ऑपरेट करते हैं. तो इसको भी हम क्या कहेंगे, ये भी हमारा पीसी यानी कि पर्सनल कंप्यूटर के थ्रू जो है हम अगर बैंकिंग परफॉर्म कर रहे हैं सॉफ्टवेयर के थ्रू, तो पर्सनल कंप्यूटर के थ्रू हम करते हैं. तो उम्मीद करता हूँ आपके टॉपिक समझ में आया होगा. इंशाल्लाह मुलाकात होती है आप लोगों से क्लास में. अब तब तक के लिए अल्लाह हाफिज.